सरकार राम स्वरूप की विधवा है, ताली बजा के। ऐसे तो हमारी विधवा होना चाहिए था। क्या कह रहे हैं सरकार, भगवान करे आप 500 साल और जिंदा रहे। मेरा मतलब है कि इस विधवा को हमारी हो जाना चाहिए था। सरकार बड़ी इज्जत वाली है, यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। चलो आंच तो दें, शायद दाल गल जाए। ताली बजा के। किसी नाजुक सी नार को लकड़ियां चीननी पड़े, ये चौधरी गुलाब राय को अच्छा नहीं लगता। बाजार से चिरी हुई लकड़ियां क्यों नहीं खरीद लेते? पैसे नहीं है तो हम दे देते हैं, हमने वैसे भी दया धर्म का रास्ता अपना रखा है। दया धर्म का इतना ही शौक है चौधरी जी, तो किसी गांव में चले जाइए, वहां बहुत सारे गरीब और बेसहारा बच्चे हैं, वहां जाके अपना शौक पूरा कीजिए। मुझे तो भगवान ने ये दो मजबूत हाथ दिए हैं, मैं इन हाथों के सहारे अपना गुजारा कर लूंगी। गलत, मेहनत से वो लोग गुजारा करते हैं जिनके पास ना रंग होता है, ना रूप होता है, ना हुस्न होता है। तुम तो रंग रूप हुस्न इन तीनों की एक साक्षात देवी हो। ये हाथ कुल्हाड़ी उठाने के लिए नहीं, सोने के कंगन पहनने के लिए बने हैं। सोने चांदी की चाह तो बड़े घर की बहू बेटियों को होती है, गरीब का सोना चांदी उसकी इज्जत आबरू होती है। दाल गल गई सरकार? गल जाएगी माखन, लकड़ियां जरा गीली हैं, आग लगने में थोड़ा वक्त लगेगा। अनिल क्या है? अनिल बेटे उठो, स्कूल जाने का समय हो गया है। अच्छा माँ। गुड्डू उठो। क्या है? उठो बेटे। नहीं। अरे स्कूल जाना है ना? हर रोज तो स्कूल जाते हैं, एक दिन नहीं गए तो क्या होगा? तुम एक दिन स्कूल नहीं जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। नहीं माँ, हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। तो फिर खूब पढ़ो लिखो, नाम कमाओ, दुनिया का हर सुख मिल जाएगा मुझे। दुनिया तो बहुत बड़ी है माँ, हर सुख तुम्हें कैसे मिल सकता है? मेरी दुनिया बहुत छोटी है। छोटी? कितनी छोटी माँ?
हर साल हम स्कूल को लाखों रुपए चंदा में देते हैं, फिर भी बच्चों के कपड़े बनकर क्यों नहीं आए? सर वो क्या है कि टेलर बीमार पड़ गया है, एक वीक के बाद बाकी ड्रेसेस आ जाएंगे। हमारा बेटा शक्ति पढ़ाई में कैसा है? बचाओ, बचाओ, टीचर बचाओ, 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 टीचर बचाओ, मेरी मां को गाली क्यों दी? बचाओ, बचाओ, मेरी मां को गाली क्यों दी? हट यहाँ से, हट, आजा मेरे बेटे, आजा। तूने हिम्मत कैसे की चौधरी साहब के बेटे को मारने की? बोल, टीचर, टीचर, और मारो, डैडी, डैडी, अगर ये वॉन्गिंग पॉन्ग स्कूल में पढ़ेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कौन है ये? हुजूर, ये उसी जानकी का बेटा है। अरे इतनी जल्दी स्कूल से चले आए? अरे तू ये क्या कर रहा है? माँ, कल से सारा काम मैं करूंगा तुम्हारा। मेरी फिक्र छोड़ दे बेटे, तू अपने पढ़ाई लिखाई में मन लगा, खूब पढ़, खूब लिख, दुनिया में बड़ा आदमी बन जाए। मगर माँ, भैया पढ़ेगा किसे? मास्टर जी ने तो इसे स्कूल से निकाल दिया है। निकाल दिया है क्यों? भैया ने चौधरी जी के बेटे को खूब पीटा। मैंने तुझे स्कूल भेजा था पढ़ाई करने के लिए या मारपीट करने के लिए? बोल, क्यों मारा, क्यों मारा उसे? चल बोल, क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा उसे? स्कूल भेजा था ना, इसलिए। डर जा, डर जा, आज मैं तुझे नहीं छोडूंगा। भगवान, ये क्या हो गया? मैंने क्या पाप किया? भगवान, ये क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? आओ देवी, आओ जानकी देवी। वाह 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 वाह, साक्षात देवी। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। जी मैं ठीक हूँ। मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगने आई हूँ। ठीक 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 ठीक, इतनी छोटी सी चीज मांग रही हो? हम तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहते हैं। हमारा मतलब है कि अपना सब कुछ देना चाहते हैं। मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है चौधरी जी। तो ठीक है, अगर तुमको बातें पसंद नहीं तो चलो हम दोनों और कुछ कर लेते हैं। जानकी, कब से चल रहा हूं तेरे बदन को छोड़ने के लिए? जानकी, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलेगा आज तो। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। जाने तो दूँ तुम्हें, लेकिन ये पहाड़ जैसी जवानी कहाँ लेकर जाओगी? रहम करो अपने जिस्म पे। नहीं, नहीं। हाँ, हाँ। Oh, my God.
साले, हाथ चला हाथ के पीले, हाथ साले हाथ के पीले, मुलजमा जानकी देवी के वकील सफाई ने यह साबित कर दिया है कि जब मुलजमा चौधरी गुलाब राय की हवेली पर पहुंची तो उनके नौकरों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। चौधरी गुलाब राय ने जानकी देवी की इज्जत लूटनी चाही तो वो बहुत गिड़गिड़ाई, मगर नशे में चूर चौधरी ने इनकी एक न सुनी। अलबत्ता एक अबला ने अपनी आबरू बचाने के लिए उस हवस के दरिंदे पर वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। लिहाजा यह अदालत जानकी देवी को बाइज्जत बरी करती है। जानकी भैया, भैया मेरे बच्चे कैसे हैं? भैया भैया ये क्या हो गया भैया, ये कैसे हो गया भैया? जानकी क्या सबर करो, जानकी सबर करो। मैं कैसे सबर करूं भैया, मैं कैसे सबर करूं? जानकी देखो वो मिल जाएगा। जानकी मैं जाऊंगी, मैं खुद जाऊंगी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। जानकी जानकी मैं कई पुलिस थानों में रिपोर्ट लिखा चुका हूँ, बच्चे के मिलते ही वो हमें खबर कर देंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आती है तो जाने दो, बेटे को ढूंढने ही तो जा रही है हमारी ननन जी। पागल हो गई हो क्या, कहाँ जाने दूँ उसको दर दर के ठोकरे खाने के लिए? क्यों जी, इनके गाँव में इनका खुद का घर नहीं है क्या? घर तो है मगर वहाँ इसका जीना हराम हो जाएगा, अब ये यही रहेगी हमारे साथ। हमारे साथ रहेगी? इसे क्या मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए रखोगे यहाँ? मुझे जाने दो भैया। जानकी तुम्हें मेरी कसम तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी अपने भाई के पास। जा तू अंदर जा, जा। डॉक्टर साहब
कुछ देर पहले जब इसे होश आया था तो मैंने इससे पूछने की बड़ी कोशिश की कि कौन है, कहाँ रहता है, इसका नाम क्या है। डॉक्टर साहब, जिस जगह पे हमारी कार से इसका एक्सीडेंट हुआ वहाँ आसपास हमने बहुत से लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन इसके माँ बाप का कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर साहब, इसकी याददाश्त तो वापस आ जाएगी ना? आ भी सकती है और नहीं भी, कहा नहीं जा सकता। धनीराम फैक्ट्री में मिलेंगे? फैक्ट्री में? अरे कोई और दिन होता तो जरूर फैक्ट्री में मिलते, मगर आज तो अखाड़े में होंगे। मिस्टर रवि कुश्ती इन दिस विलेज इज कमाल, धनीराम इस कुश्ती का किंग इस गांव में। पिछले मेनी इयर्स से धनीराम कोई कुश्ती नेवर हारा, नेवर हारा। नोबडी ऐसा पैदा हुआ जो धनीराम को हरा दे, नो डिफीट, नो वंडर। रवि मिस्टर, वो है तुम्हारे सेठ धनीराम, इनसाइड रेड क्लॉथ, लाल कपड़ों के अंदर। वाह यार हरी भाई, ये तुम्हारे गांव में किस तरह की कुश्ती होती है? दिस इज न्यू स्टाइल कुश्ती, हाफ इंडियन हाफ इंग्लैंड। व्हाट से नो से वो सर, मैं आपसे अखाड़े में मिला था। कौन सी कुश्ती में? कुश्ती के लिए नहीं सर, इंजीनियर के जॉब के लिए। नहीं, जवाब के लिए नहीं, ट्रायल की बात किए रहे। हाँ यू आर राइट सर, ट्रायल के लिए। मैं ट्रायल के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मुझे मशीनों की अच्छी जानकारी। अच्छा, तो हमारी एक बिलायती मशीन है जो बिगड़ गई है, मैनेजर कहता है उसका एक्सपर्ट बम्बई से बुलाए के पड़ी, तुम ठीक कर दो, तुम्हारी नौकरी पक्की। अरे भाई जरा स्विच ऑन करना। धनीराम पहलवान सामने वाले पहलवान को पटक पटक के मारा है, नहीं तो का छोड़ देगा का? सेठ जी, सेठ जी, रवि ने आपकी मशीन ठीक कर दी। अरे वाह, बस ड्राइवर गाड़ी रोक, बस आइए सरकार। कहाँ है? देखिए सरकार। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया मामला होएगा वाह। अच्छा ये बताओ सरकार, तू ही आता हुआ क्या कर रहा है? पाप मारे ना, मैं जाके आया। अच्छा ये बताओ रवि बिटवा कहाँ है? रवि, अरे यार रवि तूने तो कमाल कर दिया यार, कल तक मैंने सेठ धनीराम को सिर्फ पहलवानों के बाजों की तारीफ करते सुना था, ये पहला मौका है कि इन्होंने किसी की दिमाग की तारीफ की है।
मियाँ फौरन ये खबर अपने माँ बाप को भिजवा दो कि घर का और नौकरी का तो इंतजाम हो गया, अब शादी के लिए उनकी छोकरी ढूंढने फटाफट। वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं दोस्त, जिनके पास खुशखबरियां सुनाने के लिए उनके माँ बाप होते हैं। और मेरे पास तो माँ बाप के नाम पर एक धुंधली याद के सिवा कुछ भी नहीं। जैसे मुझे सुलाने के लिए मेरे कानों में कोई गुनगुना रहा हो, शायद मेरी माँ की आवाज होगी, तभी तो सब कुछ भूल गया, मगर इस आवाज को नहीं भुला पाया। तो फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? बस ये समझ लो दोस्त कि रहम की रोटी पर बचपन गुजारा है और पसीने की कमाई से इंजीनियर बनाओ। वाह वाह वाह, गुड, वेरी वेरी वेरी। इसका मतलब ये हुआ कि छोकरी भी तुम्हें खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, सेल्फ फाइंडिंग गर्ल। खाने बैठे चीनी के प्याले में लौंडी ने किया ठर फर, दाल मूंग के मसूर के मटर, दाल मूंग के मसूर के मटर, दाल मूंग के मसूर के मटर। हे माई, तूने इतनी देर क्यों लगाई, तू अभी तक क्यों नहीं आई? आए आई आई, लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई, लेकिन तुम्हारी चाबी ठीक ठिकाने पे आई। मेरी चाबी दो। हाय रे हाय, मांगी भी तो सिर्फ चाबी मांगी, वो भी इस खटारा गाड़ी की। अरे जरा प्यार से मांग कर देखो, इस गाड़ी की चाबी तो क्या अपने घर की चाबी दे दूंगा, समझी? यू रास्कल, शट अप यू ब्लडी घमंडी लड़की। इतना भी नहीं जानती कि हसीनाओं के हथियार हाथ नहीं बल्कि उनकी आंखों का नशा, उनकी होठों की मुस्कुराहट होता है। और गोरी, अगर ये चाबी चाहिए तो तनिक अपनी आंखों का नशा, होठों की मुस्कुराहट और कमरिया का झटका दिखाई दिया। आवा निशा, निशा डांस कर दे, बिना गाड़ी के हम घर कैसे जाएंगे? मैं डांस नहीं करूंगी, तुमको करना है तो करो। मैया कसम, बहुत दिन हो गया बंदरिया का नाच देखे। चलो वेरी गुड, फंटास्टिक, शुरू हो जाओ। चलो तुझको मैं सबक सिखा दूंगा, सीना के मीना जो भी नाम है हसीना तेरा, तुझको मैं सबक सिखा दूंगा। आँख उठा के न देख सकेगी तू, आँख उठा के न देख सकेगी, ऐसा हाल बना दूंगा। जो भी नाम है हसीना, thank you.
हसीना जो भी नाम है हसीना तेरा, तुझको मैं सबक सिखा दूंगा। चिंग पांग, जानती है मैं कौन हूँ? घटिया बाप का घटिया बेटा। दो टके की मजदूरन, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे बाप पे जाए? बेटे को देखकर बाप की पहचान तो की ही जाती है शक्ति सिंह। अगर अपने बाप की इज्जत का इतना ख्याल था तो अपनी माँ से माँ समान औरतों की इज्जत करना क्यों नहीं सीखी? वॉन चिंग पांग, चल अबे चल। बेटे, अमीरों की चाबुक खाना तो हम गरीबों का रोज का काम है, लेकिन तुमने हमारे लिए। जी मैं किसी भी औरत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर आप तो मेरी माँ समान हैं। कैसी होगी वो माँ जिसने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया है? माएँ तो सभी एक जैसी होती हैं,
बेटे ही अलग अलग होते हैं माजी। ये मेरी बहन कामिनी है। कमो बेटी, क्या आपने शाम के बाजू में बैठ, चाचा शर्मा भी क्यों है? बैठ। जब मेरा ब्याह हुआ था ना, तो ये 3 साल की थी, हाल ही में जवान हुई है। बहन जी, ये कहाँ तक पड़ी है? धोबी का हिसाब बराबर लिख लेती है, और फिर गृहस्थी के लिए इतना ही बहुत है। ऊपर से 10 क्लास अंग्रेजी पढ़ी है मेरी कम्मो। बेटी, ये फूल तूने काढ़े हैं क्या? जी, आरती ने काढ़े हैं। तुम्हारी याद सकिया गई है क्या जी? ये फूल तो मेरी कम्मो ने काढ़े हैं। मगर मैंने आरती को अपनी आंखों से देखा ये काटते हुए। वो तो सीख रही थी भैया, फूल तो कम्मो बेटी ने काढ़े हैं, आरती को काढ़ना आता ही नहीं। ये आरती कौन है बहन जी? मेरी बेटी है। मामा जी, मामा जी। अरे आओ बेटी आओ, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। बहन जी, ये हमारी बेटी आरती। नमस्ते। बेटी, तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो कितना फैशन करती हैं। अरे, तेरे हाथ में तो चूड़ियां तक नहीं। बहन जी, भाभी ने आरती को बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनाई थी, आज सुबह काम करते हुए टूट गई। अरे हाँ हाँ, मेरी ननद जी ठीक कह रही हैं। मुरलीधर जी, आरती की सगाई कहीं हो चुकी है क्या? जी नहीं, इसके लिए भी कोई अच्छा लड़का खोज रहा हूँ। लड़का मैंने खोज लिया है। ये क्या कर रही हैं आप? मेरी होने वाली बहू को मैं कंगन पहना सकूं, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं? आज तो तुम्हें बड़ा सुख मिल रहा होगा ना मेरी छाती पे मुंगल के। मेरी बहन का मंगेतर छीन लिया अपनी बेटी के लिए, अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंची। बेकार का दोष मत दो भाभी, मैं तो तुम्हारी और कम्मो की तारीफ कर रही थी। तारीफ कर रही थी? मैं तुम दोनों भाई बहन का षड्यंत्र अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन मेरे जीते जी इसके बेटी का ब्याह इस घर में नहीं होगा, ये तो कह देती हूँ, समझे? तो ऐसे रही हो जैसे ये धनीराम स्टेट तुम्हारे बाप की है और दहेज में तुमको ही मिलने वाली है। इंजीनियर हूँ यहाँ पर मैं। ओह, तो तुम 2 टके की नौकर हो यहाँ? अब मैं कितने टके का हूँ ये जानकर के तुम मुझसे शादी करने वाले हो? बदतमीज, तुम नहीं जानते ये किसकी बेटी है। क्यों, तुम इसकी मम्मी हो क्या? खामोश, ये तो किसी बंदर की बेटी लगती है। बदतमीज, तुमने मेरे डैडी को बंदर कहा? अरे बाप रे। अरे तम्बाकू मसल के चूना लगाएगा, अरे खाले मोरा। डैडी, अंकल, डैडी, अंकल, डैडी। अरे कहाँ चिल्ला रही? डैडी। हाँ बाबा बोल ना, कहाँ? डैडी, धनीराम स्टेट का मालिक कौन है? अंकल नहीं मालूम। अरे नहीं, हमारा मतलब है कि धनीराम स्टेट का मालिक धनीराम ही और कौन है? तो फिर वहाँ के नौकरों को आपकी इज्जत करनी चाहिए या नहीं? जाहिर बात है, हमको बेइज्जती के बगार थोड़ा ही देते हैं। अच्छा, तो फिर आपका इंजीनियर कौन है? वो हट्टा कट्टा खूबसूरत नौजवान है ना, क्या नाम होगा, रवि मल्होत्रा। डैडी, उसको आज ही डिसमिस कर दो। डिसमिस? नहीं बेटी, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। अगर वो शरीफ लड़का है तो बाकी के आपके दफ्तर के लोग सब चोर लुटेरे होंगे। अरे नहीं, हम जैसे शरीफ आदमी के दफ्तर में सभी शरीफ लोग काम करते हैं। तो सुनो डैडी, आपके उस शरीफ इंजीनियर ने हमारा रास्ता रोका, हमसे झगड़ा किया। अरे राम राम राम, वो अकेला तुम दोनों से झगड़ा किया?
तब तो बेचारा जरूर अस्पताल में पड़ा होगा। डैडी वो बहुत बड़ा बदमाश है, कह रहा था हमारा बाप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे उसने हमसे झगड़ा किया था, हमारे बाप दादा का नाम लेने की जरूरत क्या थी? हाँ डैडी प्यारी छुट्टी होनी चाहिए। अरे बिटिया काहे को लट्टू के माफिक हमको घुमा रही है? वो बेचारा बहुत शरीफ आदमी है, मेहनती है, जो उन काम के पीछे पड़ जाता है जब तक वो हासिल न कर ले उसका पीछा नहीं छोड़ता, घुमाना नहीं। हाँ हम कुछ नहीं जानते, अगर आज आपने उसको नहीं निकाला तो हम दोनों खाना पीना छोड़ देंगे। अब एक लड़के के लिए खाना पीना बंद करने की क्या जरूरत है? तुम फिक्र नहीं करो, हम उसको बुला के प्यार से डांट देंगे। नहीं डांट फाड़ से कुछ नहीं होगा। डिसमिस डिसमिस डिसमिस। अरे बाबा बिना कसूर के हम किसी नौकर को कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट कसूर? साहब साहब क्या है? कंपनी के गोदाम में चोरी हो रही है। गुरु ट्रक भर गया, गोडाउन जल्दी से बंद कर दो। ओके। नए आए हो साहब? रिश्वत देना चाहते हो? कम है और ले लो। मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैम साहब ने हमें यह करने को कहा था। क्या पहचाना क्या? कौन है तुम? तेरे एरिया का भाई हूं, उस्मान कालिया चूसली। चूसली? हाँ चूसली बोले तो क्या मालूम, ब्रूसली का छोटा भाई। क्या चाहिए क्या तुम्हें? माल लेने के लिए आए, तेरे बाप के जवाई बनने के लिए नहीं आए? क्या भूल गई क्या? तू तो तेरे आदमी को मेरे पास भेजी थी रवि मल्होत्रा को फिराने के लिए, उसको लेटाने के लिए, उसको राइट और लेफ्ट में लेने के लिए, लेकिन मैं घेटली में ठग क्या उसको सीधा लेटा डाला, मार डाला उसको, फिरा डाला मैंने। क्या, क्या? तुमने रवि को मार डाला? तो क्या हुआ, ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन तू घबराना मत, मैं उसकी लाश को नदी के पार कस्तूरी पार्क में फेंक के आ गया हूं। कौवे और गिद्धे उसकी लाश को खा जाएंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। क्या खूनी हत्यारे, मैंने सिर्फ उसे फंसाने के लिए कहा था और तूने उसे मार डाला। कितना अच्छा लड़का था बेचारा, लेकिन मैं भी तुम्हें नहीं बचने दूंगी, पुलिस को बताऊंगी, सारी दुनिया को बताऊंगी, चाहे मुझे भी फांसी क्यों ना हो जाए। रवि मल्होत्रा लड़की पट गई लिए क्या क्या? Come on.
पे भमरे मंडला रहे
वॉचिंग पॉन्ग है हैदराबादी। निशा मुझे बहुत चाहने लगी है और तुम्हारा भाई धनी राम भी मुझसे बहुत खुश है, समझ गए ना? बाय। खुश तो हम भी बहुत हैं तुमसे शक्ति बाबू, बस इसी तरह चालान भरते जाइए और हम ठेकेदारों से कट वसूल करते जाइए। 10,000। चालान भरने वाले का भी तो कट बनता है। लीजिए 500 रुपए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन माल पहुंच जाएगा, बेफिक्र रहिए, पहुंच जाएगा। एक सौ 97, 198, 199, 200। चलो हो गया, गाड़ी बंद करो, ले चलो। ठहरो बाल मुकुंद, चालान के अंदर 50 पेटियां लिखी हैं और गाड़ी के अंदर 200 पेटियां हैं। मुरलीधर जी तुम्हारा काम सिर्फ साइन करना है, कितना माल आता है कितना जाता है ये जिम्मा हमारा है, साइन करो तुम। जी नहीं, मैं गलत साइन नहीं करूंगा। देखो ये शक्ति साहब का हुक्म है। शक्ति साहब का हुक्म हो या किसी और का हो, मैं साइन नहीं करूंगा, मैंने कह दिया। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये साइन करो, वरना। वरना क्या, मेरी जान ले लोगे? मैं अभी जाकर धनी राम जी से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। भाभी ये इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने भैया की जान बचाई। हाँ? आप इंजीनियर साहब हैं? जी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आइए आइए, ये मेरी बहन कामिनी है। कम्मो नमस्ते करो ना। नमस्ते। जब मेरा ब्याह हुआ था ना तो ये सिर्फ 3 साल की थी, अब जाके जवान हुई है खेलने खालने के लायक। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। माँ जी आपकी आंखों में आंसू। नहीं, पुराने जख्म याद आ गए। बेटा तुम भी डॉक्टर को दिखा लेना। अरे नहीं माँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। 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 कुछ नहीं कहा,
कंपनी वालों ने तेरे मामा को निकाल दिया। आरती, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे मामा की नौकरी बरकरार रहे और तुम्हें कंपनी क्वार्टर से धक्के मार के कोई बाहर नहीं निकाले, तो तुम्हें हमारे साथ वांटिंग पॉन्ग करना होगा। मेरा मतलब है कि तुम्हें हमें खुश करना होगा। जी जी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो मुझे। अभी से झटके खा रही हो वांटिंग पॉन्ग। कैसा लगा मेरा पहला छक्का वांटिंग पॉन्ग? वांटिंग पॉन्ग, शक्ति सिंह पर हाथ उठाकर तूने अच्छा नहीं किया। आ जा मेरा बेटा वांटिंग पॉन्ग की औलाद, अभी तो इसने तुझ पर सिर्फ हाथ उठाया, लेकिन आइंदा अगर किसी की इज्जत पर तूने आग भी उठाई तो तुझे इस दुनिया से उठा दूंगा, समझा? चल भाग। वांटिंग पॉन्ग। शक्ति सिंह ने मेरे मामा जी को नौकरी से निकाल दिया था, मैं फरियाद लेके उनके पास गई, उसने मुझे। मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए आरती जी, मैं सेठ जी से बात करके उनका इंसाफ सुनाने कल आपके घर चलाऊंगा। आपने मुझे बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, हमें कब तक पता चलेगा बेटे? इंजीनियर साहब शाम तक खुद आएंगे हमें बताने के लिए। क्या बात है माँ, इंजीनियर साहब को देखकर? पता नहीं क्यों उसको देखकर अनिल याद आ जाता है। तेरा भाई भी तो इतना ही बड़ा हो गया होगा ना, उसका नाम क्या है? जी मेरा नाम रवि है। ओ, कम कम इनिन। थैंक यू। आइए ना, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी का नाम रवि है? जी जी, वो दरअसल बात ये थी कि वो आरती जी का है। इंजीनियर साहब, आप आ गए, क्या खबर लाए? मुबारक हो आरती, तुम सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मिठाई खिलाओ मिठाई। सेठ जी ने ना ही तुम्हारे मामा जी को दोबारा रख लिया है, बल्कि उनके इलाज के लिए ये 3000 रुपए भी भेजे हैं। ये लो। अरे अरे अरे, मुझे दो जी, मैं इस घर की मालकिन हूँ, इस बेचारी अनाथ लड़की और उसकी माँ को पाल रही हूँ। बाल बच्चे भी साथ लाए हो क्या? बाल बच्चे तो दूर की बात है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। अच्छा अच्छा, मेरी बहन कामिनी भी कुंवारी है, मगर बड़ी नटखट है वो, 10 क्लास इंग्लिश पढ़ी है। इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती है। अब माँ जी कहाँ है? माँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, इंजीनियर साहब के लिए खास बनाया है, आज मैं उसे अपने हाथ से खिलाऊंगी, बड़ा ही प्यारा लड़का है। बड़ा प्यारा लड़का है, एक छठी साड़ी में उनके सामने जाओगी तो हमारी नाक नहीं कटेगी। तुम यही रहो, खबरदार जो उनके सामने गई तो। लाओ हलवा मुझे दो। अम्मू जी, दीदी तेरा जादू रवि पे चला दे। अच्छा लीजिए। जी नहीं, शुक्रिया। खाइए ना। जी नहीं, थैंक यू। अरे खाइए ना। नहीं। अरे ये क्या करती है, अपने हाथों से खिलाना। नहीं, नहीं, मैं खाता हूँ। हाथ मत लगाना बस। ओ, जल गया। उफ, उफ।
गरम गरम खाएगा तो जलेगा ही। ला मैं खिलाती हूँ। ऐसे खाते तो जला, लेकिन हलवा खाने का मजा आ गया। अच्छा मैं चलता हूँ। रवि बेटे, अपना ही घर समझ के आते जाते रहना। हाँ जी। क्या करता यार, ऐसा छींकता पूरा भिगा दिया मुझे। भड़कते काहे को मियां, मेरी छींक बरकत का फव्वारा है। क्या है दरअसल, ये याद का कनेक्शन है, कोई याद किया मेरे को तो छींक आती। अरे काहे को भड़क को देख रहे, उधर देखना, टुकुटुकु देख रहा मेरे को। लगा ले, लगा ले, लगा ले, जो लगाएगा ₹2 लगा ले। क्या खेलेगा क्या? नहीं तो क्या मैं तेरा थोबड़ा देखने को आया? पते देखे तो मेरे हाथ में खुजली होती। खुजली होती तो मिटाले 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 भाषा ना बेगम बेगम बोल, भाषा मांगता है क्या? मेरे को भाषा क्या करने का, मैं बचपन से बेगम का आशिक हूँ। आठ आना लगा हूँ क्या? आठ आने का चने नहीं मिलता, चल चल निकल निकल निकल। बहुत महंगा शहर है। अच्छा रुपया ले, ये रुपये का कनेक्शन लगाता क्या? हाँ लगा ले, लगा ले। बेगम, ये बेगम रुपया ला, ले दो रुपए, ले दो रुपए, ले दो रुपए लगा, दो रुपए लगा, दो रुपए लगा, दो रुपए लगा। बहुत शाना बता रहा है, किस्मत आ गया। ये बेगम का कनेक्शन, ये बेगम। अरे क्या करता है यार तू इधर? ये हैदराबादी क्या? चार मीनार इधर ही खरीदेगा, चल बटले। चार मीनार का है को 16 मीनार खरीदूंगा। दिल्ली का कुतुब मीनार देखा, मेरा ही है। हाँ तो उधर जाके खेला। हाय सेठ जी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों पैसा नहीं तेरे कने? आंखिया बटन दिखता नहीं, पत्ते खेल रहा, चल जाए से। अब लेकिन आपने ये लिबास क्या पहन रखा है? लिबास क्या मतलब है, उतार के बरहना घूमू जाता है कि मार खाएंगे? लेकिन सेठ जी टाइम नहीं है, बोला ना सेठ जी, जा अपना काम कर सेठ जी। अरे टाइम नहीं है, जाना सेठ जी। अरे जाता है क्या रे, क्या रे? अब मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि आपकी तबीयत ठीक है ना? तेरे को मेरी तबीयत में इतनी दिलचस्पी क्या है रे? मेरे को क्या है, मैं तो घर जाना, मैं घर जाना, मैं छोड़ के नहीं जाता। नहीं जाता, चल निकल, भागा, चल जा, भागा, चल, भागा, चल, भागा। आल खाऊ खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को है कैंचियां दीवार पर। जाने मन जाना निमन तुझको कुछ खबर भी है, नजला भी है, जुकाम भी है, दर्द सर भी है। सलीम का सलाम कबूल हो मेरी अनारकली। हाय हाय, तू है मेरा सलीम, मैं हूँ तेरी अनारकली। ये अनारकली नहीं है, ये तो कुत्ते की नली है। अरे छोड़, अरे छोड़। वो कहावत सुनी है ना तुमने,
कि दिया बुझने से पहले एक बार जोर से फड़फड़ाता है। बस तुम्हारा बूढ़ा बाप भी पूरी तरह से फड़फड़ा रहा है। मैंने अभी उन्हें अपनी आंखों से रंग बिरंगी पोशाक में पत्ते खेलते हुए और एक औरत के साथ देखा है। राम राम राम, और क्या क्या करते हुए देखा, तुम मुझसे मत पूछना प्लीज। ओफो, तुम डैडी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है निशा बिटिया, काहे से लड़का खड़ी है? आपकी हरकतें सुन के, वो भी इस उम्र में, शर्म नहीं आती आपको? क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास कर रही हूँ? वो लाल कमीज, वो पैंट, वो जुआ, वो ताश, खूब छेल छबीले बनकर घूम रहे थे आप। मुबारक हो, हम आए नहीं, हमारी तारीफ पहले से शुरू हो गई। अरे मनु भैया, तुम अचानक? हाँ अचानक आना मेरी पुरानी आदत है। मैं दुनिया में भी अचानक आया था ना, माँ समझी तुम अकेले आ गए, मगर पांच मिनट के बाद मैं भी टपक पड़ा। देखो आप लोग दोनों भाई है क्या? हाँ जुड़वा भाई है दोनों। लेकिन फिर ये यूपी, आप हैदराबाद? क्या है कि पैदा होकर उन्हें माँ के साथ इलाहाबाद में रह गया, मैं हैदराबाद भाग गया था। लेकिन मालिक तो बहुत शरीफ आदमी है। मैं उससे भी ज्यादा शरीफ हूँ लगते हैं। अभी तो मेरे को नहीं देखे, तो तुम देखे, वो मेरा ट्रेलर था। मैं पूरी फिल्म नहीं देखूंगा। मत देखना, नहीं तो आंखें फट के बाहर आ जाएंगी। सही है, बस और कुछ नहीं बोलना। ये तुम्हारा नवा मैनेजर है? हाँ, मगर तुम कैसे जाना था? वो अपना शक्ति है ना, उन्हें चिट्ठी में इसकी बहुत तारीफ लिखा, तभी जानता हूँ मैं इसको। मनु अंकल, हाँ? रवि ने भी बहुत तारीफ की आपकी मुझसे। आप कुछ देर पहले से मिले थे ना? पता क्या बोल रहा है? नाको बेटा नाको, बड़े आदमी की सभी लोग तारीफ करते, मगर बड़े आदमी अपनी तारीफ कभी नहीं सुनते। अभी तुम जाओ, जा बेटे जा। धनु भैया, अपना वो शक्ति कहाँ है? जा। घंटू को भी अभी आना था। जाओ। हराम के क्या कर रहा था तू? मौज मस्ती कर रहा था। अरे हराम के, इधर मौज मस्ती करने को आया कि धनीराम के पोटी से शादी करने को आया? और तेरे को मौज मस्ती करने का है तो पहले धनीराम के पोटी से शादी कर, उसके बाद तू मस्ती कर, मैं दौलत लूटता। और कभी धनीराम को मालूम पड़ा तो उन्हें पहलवान है, मार मार के तेरी हड्डियों का मंजन मला के दांतों में रगड़ डालता उन्हें। पार्टनर, जब तक निशा नहीं मानती, मैं धनीराम का दामाद कैसे बनूंगा? शक्ति सरी का पोटा अगर हाथ से निकल गया ना, तो सारी जिंदगी चिराग लेके घूमे, तो ऐसा सलीखे वाला दामा तुमको नहीं मिलता। अरे तुमने अकल होती तो परिवार नियोजन का कोटा फुल कर दिए होते, दो दो निवास है तुम्हारे मूछा में लटक रहे होते। मगर तुमने क्या मालूम, तुम्हें खाली डंड बैठक मारो, परिवार कैसे बड़ा थे वो तुमने मालूम ही नहीं। मुनी के सरी का औलाद को पैदा कर दिए, उसको बड़ा कर दिए, उसकी शादी भी करना, ये बात तुम्हारे दिमाग के झोपड़े में नहीं घुसी क्या? नहीं घुसी तो रही, पर हम सोचे अतनी जल्दी का है। आए? जल्दी हावला हो गया रे तू, मैं बोलता जल्दी जमा पोटी का उसके साथ कनेक्शन। कनेक्शन? हाँ कनेक्शन जमा, तो पोटी बोलती जल्दी करो मेरी शादी का फंक्शन। मगर ये ससुरा कनेक्शन का हुआ थे? कनेक्शन बढ़ता तो प्यार बढ़ता, और प्यार बढ़ने के लिए मुलाकातों का होना बहुत जरूरी है। क्या? मगर मिलते तो है दोनों ना। अरे कैसा हावला है रे तू, प्यार की मुलाकातों के लिए ये तेरा तंदूर नहीं होना, खुली फिजा में मुलाकातें बहुत जरूरी हैं। धनीराम? बोलो मनीराम। तू बोले तो मैं मुलाकातों का चक्कर चलाऊं? हाँ चलाए तो। Love is a burning fire. Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Wow, beta, bada hu. Ladki padhane main aaya. Aur wanting pong tu kar raha hai? अब मैं तुझे फंसाऊंगा, पटाऊंगा, अपना घर बसाऊंगा, उसके बाद मैं तुझे खा जाऊंगा। ये इश्क करने का नया स्टाइल होता है, इसे बोलते हैं वॉन्चिंग पॉन्ग स्टाइल। अब देखिए मेरा
वॉन्ग चेंग पोंग स्टाइल। मैं एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा हूँ, तुम हो मेरी डार्लिंग, डार्लिंग जी मेरी लाज रखो। मैं एक छोटा सा नन्ना सा भोला सा प्यारा सा बच्चा हूँ, तुम हो मेरी डार्लिंग, डार्लिंग जी मेरी लाज रखो। मैं एक छोटा सा छोटे बच्चे गाना नहीं गाते, निप्पल चूसते। गाने वाले अभी आने वाले हैं। किधर? उधर। आए यदुवंश से सुदाम लोधी चंदा, यदुवंश से सुदाम लोधी चंदा समीरा कर्नाटक गुण गंभीर, कर्नाटक गुण गंभीर। नारी जनमानस, अयो नारी जनमानस, नारी जनमानस तोरा स्वामी राजा कृष्ण राजा, स्वामी राजा कृष्ण राजा, स्वामी राजा कृष्ण राजा, स्वामी राजा। तुमको दो साल के बाद देखा, कैसा तुम हो? देखा मेरे गुरुजी का कमाल, इन्हें प्रणाम करो। ए गुरु, ये मेरा डांस देख के इसका आंख बाहर आया। अम्मा, अम्मा, अम्मा। ये आंख वाला अंधा गुरु को ऐसे प्रणाम नहीं करती, पाँव छू के करती। करती पाद स्पर्शमा। ओ मंग मंग, अरे इसको करने दो पड़ा मामा, तुम शुरू करो प्रेम शुभारामा। प्रेम 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 नहीं रे, मेरा नाम स्वामी प्रेम लिंगम, मैं इसका गुरु हूँ, यह मेरा शिष्य है, प्रेम का मास्टर। ये साला वांचिंग पोंग लोग क्या प्रेम का मास्टर है? इस दुनिया के अंदर प्रेम का सिर्फ एक ही मास्टर है, वो है शक्ति सिंह, ओनली शक्ति सिंह। इल्ले हम प्रेम का गुरु। अगर तुम लोग गुरु तो हम गुरु घंटा। तुम गुरु घंटा ल, तो हम माँ गुरु घंटा ल। जनरी स्वामी घंटा घंटा। ओके ओके मिस्टर घंटा, आई विल शो यू व्हाट घंटा इज, प्रेम का घंटा। वॉच मी, वॉच मी घंटा। किसी से प्यार किया? अयो नहीं किया। तुमने कभी किसी को दिल दिया? दो साल पहले दिया, उसका बिल नहीं आया, वो लेने के आया। अरे जा रहे इतनी सांभर। डाई। ये जो तेरा गुरु है ना, ये तो साला शुरू ही हो गया, साला वांचिंग पॉन्ग। डाई, बंद कर रहे तेरा माउत, गाने वाला साउथ। मैं आया तेरा चटनी बनाने वाला, मैं तेरा चटनी बनाने वाला। I am a disco dancer, poda poda rascal. I am a disco dancer, dai poda poda rascal. Zindagi mera gaana, tera disco purana. Main isi ka deewana, jaake modo gayana. मैं नाचूं, मैं नाचूं, 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 ना
ये कमीने, तू मेरे को मारा, तू मेरे को मारा, मैं तेरा ये चौकरी के सामने ऐसा इंसल्ट करेगा कि तेरा साथ मुझ में जितना औला दूंगा चूल्हे पर पानी में डूब के मर जाएगा रे, ये ना मारा। कुछ भी लगा के देख, फिर मैं क्या करता तू देख रे कमीने, रे कमीने, रे कमीने, रे कमीने, रे कमीने, 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 कुत्ते कमीने, रे कमीने, रे कमीने, रे कमीने। ये पैर मेरे को मारा, तो पैर मेरे को मारा, मार। ए साला वांटिंग पॉंग, ये कौन है पॉंग? बेईमानी, और वो भी अपने बाप के साथ। ये कौन है, किसका बाप? ये कहीं तुम इसको संभालो, मैं जरा उसको संभालता हूँ। कौन किसको संभालता है, ये भगवान को मालूम है। अरे शक्ति है, गधा नहीं है। गधा है भी तो क्या हुआ, गधे को गधे तरीका मार दे क्या? मैं तेरे को देखो धनु भैया, आपने होने वाले दामाद की हालत देखो, खड़े क्या है, जाओ। ऐसा लागत है जैसे को खच्चरे के मुंह पे बड़ा दिली से दुलत्ती मार दिया हो। बराबर बोले तुम्हें, खच्चरे मारा है इसको। वो खच्चर का नाम मालूम, रवि। आओ, वो खच्चर के साथ तुम्हारी पोटी का कनेक्शन, उसको टकला बना के पिकनिक पे लाए थे। टकला? आओ, उधर ही हमारी आंखों में धूल झोंक को कनेक्शन जमा रहे थे दोनों। आइसन कैसन कनेक्शन? कल तक तो बाल वाला रहा, एक दिन में टकला कैसन हो गया? बाल सफा साबुन खा लिए थे का? अरे वो बदमाश नकली विग लगा को टकला बना था। तुम्हारा नौकर तुम्हारी इज्जत से खेला मालूम? आपकी इज्जत से नहीं डैडी, वो शक्ति के साथ खेला, रवि ने इसको फुटबॉल बनाया। फिर बराबर। सुने अपनी बेटी की बात, जिसको तुम दामाद बनाते तुम्हारी बेटी उसको फुटबॉल बनाती। क्या करें, हमरी कुछ समझ में नहीं आता है का इलाज करें। इलाज मैं बताता, कस के दो चार झापड़ा मारो उसको। अरे कैसे झापड़ झड़ दें, हमारी इकलौती बिटिया है। अच्छा बाबा, एक तो भी मारो। अरे मारो ना। अरे अब तो हमारा हाथ जाना तो कसकसाए कि मार दिया तो सारा जबड़ा हाथ में आ जाएगा, मुंह पिलपिला हो जाएगा, फिर शादी कौन करेगा उसके साथ? शादी तो मैं करूंगा सेठ जी। सेठ जी, मुझे पोबली भी चलेगी। शट अप, मैं साफ कह देती हूँ डैडी, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तो तू हमारी भी साफ सुन ले लड़की, तो को सख्ती से शादी कराए के पड़ी, ये घर में हमार हुकुम चालत है। चलाइए हुकुम, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे क्या रे, तू हूल किसको दे रही? ये मेरा भाई भोला है, मगर मैं तोप का गोला हूँ। मैं भी कसम खा कर बोलता, अगर तेरी शक्ति के साथ शादी नहीं किया तो मैं मेरे बाप की औलाद नहीं, तो मेरे को भिलावे की औलाद समझना। चल जाओ पर, चल देखे ऐसे पकड़ को रखना। अरे क्या रे, तू हूल किसको दे रही? ये मेरा भाई भोला है, मगर मैं तोप का गोला हूँ। मैं भी कसम खा कर बोलता, अगर तेरी रवि। क्या बात है निशा, इतनी रात को तुम यहाँ? अरे मेरे देवदास, ये प्रोग्राम रात को ही जमता है, दिन में पकड़े जाने का डर होता है। किस प्रोग्राम का इरादा है मैम साहब? भागने का। भागने का? हाँ, मेरे डैडी मेरी शादी शक्ति के साथ करना चाहते हैं, और मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, तो उसके लिए तो भागना ही पड़ेगा ना, और कोई चारा ही नहीं है। माफ कीजिए मैम साहब, मैं भागने भागने के चक्कर में नहीं हूँ,
अरे तुम्हें पैदल भागने के लिए कौन कह रहा है? मैं कार लेकर आई हूँ, आ जाओ चलो। निशा, अगर तुम मेरे साथ भाग गई तो जानती हो तुम्हारी और तुम्हारे डैडी की पूरे गाँव में कितनी बदनामी होगी। अरे बुद्धू, प्यार करने वाले बदनामी से डरा नहीं करते। ये जमाना सदा से प्यार मोहब्बत का दुश्मन रहा है। ये दुनिया वाले दो दिलों को मिलने ही नहीं देते। इसलिए मैं कहती हूँ चलो मेरे साथ कहीं दूर, हम अपना घर अलग बसाएंगे, स्वर्ग से भी सुंदर। स्वर्ग से भी सुंदर? अबे ओए अकल के दुश्मन, तुम्हारे डैडी ने मुझे नौकरी दी, रोजी दी। मैं इतना नीच आदमी नहीं हूँ कि उन्हीं की लड़की को लेकर भाग जाऊं। उनका नमक खाया मैंने। 2 रुपए किलो मिलता है नमक, मैं अब तुम्हारे लिए 2 रुपए की भी नहीं रही। नमक मुझसे बढ़कर हो गया, मैं चली मरने, फिर बैठकर मेरी याद में आंसू बहाना। निशा, मैंने तुमसे प्यार आंसू बहाने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए किया। तुम जो कहोगी वही होगा। चलो। तुम चाहते क्या हो? बेटी के चले जाने का ढूंढा हम खुद ही पीटे का? नाको मिया, तुम्हें काय को ढिंढोरा पीटते? तुम्हें खाली रिपोर्ट लिखवाओ। पुलिस ढिंढोरा पीटती, उसको पकड़कर उसको पीटती, उसके बाप को पीटती, उसके पूरे खानदान को पीटती, उसकी हड्डियों को सड़ी हुई ककड़ी की तरह बनाती। यही तुम्हारा स्वर्ग है? यू चीर दगाबाज, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, तुम लड़की भगाने का कायदा भी नहीं जानते। तुम हीरो नहीं विलन हो, विलन हो। शट अप। तुम अपने बाप का घर भाग कर नहीं दुल्हन बन कर छोड़ोगी। तब तक यही घर स्वर्ग है तुम्हारे लिए, समझे? पोटी रवि पे आग सरीका भाग गई है। देखो उस आग पे तेल छिड़को, फिर उस आग पे अपने मतलब का खाना पका के देखो, फायदे में रहेंगे। मेरी बात मानते फैक्ट्री के सालाना जश्न पे इसकी और शक्ति की शादी का ऐलान कर ही डालो। ठीक कहा था, शादी का ऐलान तो अब करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। देवकीनंदन शर्मा, देवकीनंदन शर्मा का, देवकीनंदन शर्मा, राम गोपाल दुबे, ये बहुत चोर आदमी है, संभाल करे ना, सामान चुरा के जेब में रखता। अरे फाड़ा का है करे, चोर है। आवा क्या धनो भैया, ये किसके कार्ड आए हैं? अरे और किसके, हमने बिटिया के सगाई का निमंत्रण कार्ड है, ले तुम देखो ले। आहा, देखो शक्ति सिंह, ये तुम्हारे होने वाले ससुर क्या खूबसूरत कार्ड छपा है तुम्हारे वास्ते। आहा, ये देखो शक्ति सिंह और निशा, कितना खूबसूरत नाम दिख रहा है। देखो ये रिसेप्शन हॉल का नाम लिखा है। तेरा नहीं है तो तेरा नाम कहाँ है? अरे वॉन्टिंग पॉन्ग, इसमें तो रवि का नाम छपा है। गलती से छप गया होंगे? नहीं नहीं नहीं, समझे नहीं आप, गलत नहीं, सही छपा हुआ है, हम जानबूझ के छपवाया है। ये सगाई सिर्फ रवि के साथ होगी और कौनों के साथ नहीं। अंदर गम बाहर घड़ी में सारे गम बाहर, बबुआ 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 रे बबुआ, जग एक पिंजरा दुनिया अंदर हम बाहर। क्या सीन नजर आते हैं, क्या क्या सीन नजर आते हैं, किंग और क्वीन नजर आते हैं, एक तीन नजर आते हैं, रशिया चीन नजर आते हैं, घर बैठे दुनिया देखी, घर बैठे दुनिया देखी, हम निकले घर से कम बाहर, अंदर गम बाहर घड़ी में सारे गम बाहर। जय शिव शंकर, जय बम भोले,
शंकर जय बम भोले रंग जमेगा भोले भोले जय शिव शंकर जय बम भोले रंग जमेगा भोले भोले ओ बैठ के आई उड़न खटोले गोरी घूंघट के पट खोले बैठ के आई उड़न खटोले गोरी घूंघट के पट खोले थोड़ी देर में बांध के घुंघरू थोड़ी देर में बांध के घुंघरू नाचेगी छम छम बाहर छन जाए जब छट जाए मस्तों में जब ये बट जाए छन जाए जब छट जाए मस्तों में जब ये बट जाए पर्वत रस्ते से हट जाए सारी दुनिया फट जाए भीतर में है चीज जरा सी लगा है तम बम बाहर अंदर तम बाहर घड़ी में सारे बम बाहर बत्तियां बुझा दे रहे घर में अंधेरे का कोयला बिछा दे रहे तुम मैं से अंधेरे की बात कर रहे हो अंधेरा तो मेरी जिंदगी में हो गया है वो जाला तो रवि के घर में है जिसकी सगाई निशा के साथ हो गई है मेरी जिंदगी का तो वांचिंग पांव हो गया छोड़ तेरे वांचिंग पांव को तू ना को खबर रिपोर्टे उधर तू ही फिट होएगा अब कैसे फिट होऊंगा अब तो सिर्फ फेरे होने बाकी है बाकी सब हो गया फेरे बाकी है हुए तो नहीं सगाई अभी भी टूट सकती है मियां आओ सात फेरे हो जाते तो मामला परमानेंट हो जाता था क्या कर रहा है तू लेकिन तुम अरे हो गया ये सगाई तोड़ोगे कैसे अरे तू सवाल पे सवाल काय को मारा रे तू आम खा पेड़ नको गिन पेड़ मेरे ऊपर तू छोड़ किसके ऊपर छोड़ेगा पेड़ मेरे ऊपर क्या बोला तेरे ऊपर फोन करेगा रे तेरे संग शादी संभाल ये क्या आरती तुलसी को राखी बांध रही हो और किसे बांधू एक ही भाई था मेरा बचपन में ही खो गया तब से उसकी खुशी के लिए हर रक्षाबंधन पर तुलसी को ही राखी बांधती हूँ आरती आरती क्या मैं तुम्हारा खोया हुआ भाई नहीं बन सकता इस बार एक बदनसीब भाई की खुशी के लिए उसके हाथों पर राखी बांध दे आरती बेटी शाम ढल गई है ना तू जल्दी से जाकर मामा जी को खाना दे क्या अच्छा माँ रवि इस वक्त अकेला होगा घर में तुम दोनों वहां जाओ और उसे खत्म कर दो यह मेरा नहीं शक्ति बाबू का ऑर्डर है और सुनो किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि रवि को मारने में हमारा हाथ था समझे ये लो पैसे क्या बात है आरती जल्दी बाहर आ जाओ भैया मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है एक मिनट में आता हूँ एक मिनट इंतजार करो आरती
जरा जल्दी बाहर आ जाओ। आरती, 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 गुंडा? गुंडा? कौन गुंडा? भैया, वही गुंडा जो रास्ते में आपको मारने का प्लान बना रहा था। मैं सुनते ही यहाँ दौड़ के चली आई, वो भी मेरे पीछे यहाँ पर पहुँच गया। मुझे कुछ सूंघा कर बेहोश कर दिया। दरवाजा खोलो! खोलो दरवाजा! नहीं भैया, मत दरवाजा खोलिए, वो वही होगा, वो आपकी जान ले लेगा। भैया मत दरवाजा खोलिए। तो फिक्र मत कर आरती, मैं देखता हूं। खोलो दरवाजा, खोलो! तुम लोग यहां कैसे? हमें पूछ रहे हम लोग यहां कैसे? पहले बताओ ये लड़की यहां कैसे? भैया, भैया यही है वो गुंडा जो आपकी जान लेने का प्लान बना रहा था। लोग वालों सुनो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अंदर अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। हराम जादे बहन भाई के रिश्ते को बदनाम करता है। कुत्ते, मैं तुझे चांद से मार डालूंगा। हराम के एक तो गांव में हरामकारी करता, ऊपर से शरीफ आदमी को मारता, तू चुप क्या खड़ा है? आप लोग चुप क्यों खड़े हैं? इस हरामजादे ने गांव की लड़की के साथ वांटिंग फॉर्म करना चाहा। मारो साले को! मारो हराम साले को! शक्ति सिंह, मैंने भी तुझे नहीं देख लिया तो मेरा नाम भी रवि नहीं। उठाओ जल्दी इसको। अरे चोर डाकू भी राखी बंधवाने के बाद भाई से बढ़कर हो जाते हैं, तुम तो उससे भी गिरे निकले। जिस औरत ने तुम्हें बेटा कहकर पुकारा, उसी की बेटी की जिंदगी अपनी हवस के लिए तबाह कर दी। निशा, राखी के पवित्र बंधन पर कीचड़ मत उछालो। उसने तो तुम्हें भाई बना लिया, तुम उसे क्या बनाना चाहते थे? अगर शक्ति कुछ लोगों को लेके वहाँ ठीक वक्त पे ना पहुँचता तो तुम खिड़की दरवाजे बंद करके उसे अपनी हवस का शिकार बना लेते। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म, जरा सी भी गैरत बाकी है तो चले जाओ जगह छोड़कर और भूल जाओ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आई थी। मैंने रवि से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। आप चाहे तो दुनिया के किसी भी लड़के से मेरी शादी कर दीजिए, लेकिन रवि से नहीं। कैसन बात करती है बिटिया? हम फैसला किया अगर तोरी शादी करेंगे तो केवल रवि के साथ करेंगे और कोनों के साथ नहीं करेंगे। वो लुच्चा है, लफंगा है, बदमाश है। मैं उससे शादी हरगिज नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। अरे निशा, तू देखे धनी राम, कितनी सियानी है तुम्हारी पोटी। दुनिया बोलती रवि लुच्चा, तुम्हें बोलते है सच्चा। तुम्हारी मुर्गी की एक ही टांग है क्या? है दुनिया कुछ भी कहे मगर हम कैसे मान लें कि रवि बदमाश है? बदमाश होता तो खुद ही हमारी बिटिया को लेके उड़ गया होता, और ये तो तैयार रही, मगर रवि खुद ही उसको यहाँ वापस लेकर आया है। कैसे उड़ता है मियां? कहाँ उड़ता? गांव छोड़ता तो वो आरती को छोड़ना पड़ता ना, और तभी तक आरती और उसके कनेक्शन में गांठा पड़ चुके थे ना। क्या है? नहीं, हम नहीं मानते। इंतजाम में जरूर कोई गड़बड़ है। गड़बड़? हाँ गड़बड़ तो है मियां, मगर और किधर नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी के अंदर है। निकालो उसको। कह लो, मगर तुम अपनी दलील से हमको हरा नहीं सकोगे मनीराम। हम फैसला कर चुके हैं कि अपनी बिटिया की शादी रवि के साथ करेंगे, मतलब करेंगे, समझे? मुझला बराबर दबा रहे।
अब मैं कैसा दिख रहा? वॉन्चिंग पॉम वैसे ही ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। क्लोरोफॉर्म का? हाँ ये और ये रुमाल ले, इसको डाल को। काहे कि तेरी फिकर में हमको नींद नहीं आवत है, और तेरा वो हैदराबादी जो चाचा रहा वो हमसे झगड़ा करके चला गवा। तू ठीक कहती है बेटी, रवि बहुत लफंगा है, तू के साथ शादी मत कर। मगर थोड़ी देर पहले तो आप उसकी तारीफ कर रहे थे। थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, ऊ देर में और ई देर में फर्क है। थोड़ी देर में आदमी बदल जाते हैं तो क्या ख्यालात नहीं बदल सकते हैं? आप ठीक कहते हैं डैडी, रवि भी कितना बदल गया है। हाँ तू फिक्र मत कर, जा तू जा, जाके सो जा, हम सब संभाल लेंगे। हाँ क्या रे, मर गया क्या? अरे बेहोश किया है। ये धनी राम और मनी राम का कनेक्शन तो जमा दिया मैंने, अब आगे क्या? तू एक काम कर, ये बुड्ढे का कुछ कर, मैं पोटी के साथ तेरा कनेक्शन फिट करता। अभी इसको फिट कर देता हूँ, जल्दी कर। मैंने आरती को जो कंगन पहनाए थे वो वापस कर दो, हम ये सगाई तोड़ रहे हैं। बहन जी, मेरी बच्ची के साथ ही अन्याय मत कीजिए, वो कहीं की न रहेगी। इससे शादी करके मेरा बेटा भी कहीं का नहीं रहेगा। अजी, इसने तो बहन भाई के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है। चंदू, बहन भाई के रिश्ते को तुम जैसे लोग ही कलंकित करते हैं। तो क्या तुम घर की खिड़की और दरवाजे बंद करके उसकी पूजा कर रहे थे? भाई साहब, आरती मेरी बहन की तरह है, उसने मुझे राखी बांध दी है, आप उसे यूं मत ठुकराइए। मगर इसे अब हम अपनी बहू नहीं बना सकते। भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इसे अपना लीजिए, ये आपके घर को स्वर्ग बना देगी। हाँ मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, आप मेरी बहन की जिंदगी से मत खेलिए। हट जाओ मेरे रास्ते से। जी, हमारी तरफ से यह रिश्ता खत्म समझिए। आप चाहे तो ये हाथ में गंगा जल लेकर सौगन खा सकते हैं, ये उसी जल की तरह पवित्र है। पवित्र या अपवित्र तो भगवान ही जाने, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस लड़की के नाम पर हर जगह थू थू हो रही है। आप हमारे कंगन लौटा दीजिए। भाई आपको सगाई तोड़ने नहीं दूंगा। देख रही हैं आप, एक तो चोरी ऊपर से सीना तोड़ी। आप अपने कंगन उतार लीजिए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अगर आरती का भला चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। बाजी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे तुम पर विश्वास है बेटे, लेकिन लोगों का मुंह कौन बंद करे? तुम्हें मेरी पसंद, चले जाओ यहाँ से। ये क्या किया आपने? ये बच्ची तो आपकी बेटी समान है। अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं इसका गला घोट देती, समझे? चलिए जी। ये लो बोरिया बिस्तरा और निकल जाओ यहाँ से। तुम माँ बेटी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ये क्या कह रहे हो भाभी? आप लोगों के सिवा इस दुनिया में हमारा है कौन? तुम माँ बेटी को अगर मैंने घर में रहने दिया तो मेरी बहन कम्बो से दा कौन करेगा? निकल जाओ यहाँ से। मोहिनी, तुम बीच में मत बोलो जी, ये सब तुम्हारी लगाई हुई आग है। ये अत्याचार मत कीजिए मामी जी,
हमें घर से बेघर मत कीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। आपका घर छोड़कर हम और कहाँ जा सकते हैं? क्यों, क्या अपने यार के घर? भाभी, पहले ही मालूम था ये बच चले हैं, आवारा है। देख रहे हो, आपकी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा। बहुत कम मारा भगवान, और मारना चाहिए था। क्या? अपनी जुबान को काबू में रखो। मेरे टुकड़ों पर पलने वाली, तू अपनी भौजाई पे हाथ उठा दी है कभी ने? तूने हमें बिठा कर नहीं खिलाया। हम दोनों माँ बेटी ने सुबह से रात तक तुम्हारे घर में नौकरों की तरह काम किया और तुम्हारी गालियाँ सुनते रहे, लेकिन हमने कभी जुबान नहीं खोली, इसलिए कि तुमने हमें दो टुकड़े खाने को दिए। अब देखती हूँ तुझे दो टुकड़े भी कौन देगा। भगवान, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल भी देता है। चली जा बहन, इस नरक से बहुत दूर चली जा। क्या मुझे माफ कर देना भैया। क्या बहन, माजी और प्यार के लिए मैं बरसों से तरस रहा था, वो मुझे मिलने ही वाला था कि वो भी तुमसे देखा नहीं गया, तुमसे माँ की ममता और बहन का दुलार देखा नहीं गया। अरे यहाँ तक कि राखी जैसे पवित्र बंधन को भी कलंकित कर दिया तुमने। लोग तो तेरे दरबार में हजारों उम्मीद लेकर आते हैं और तू उनकी झोलियां खुशियों से भर देती है, लेकिन तुझसे मेरा सुख देखा नहीं गया। बोल माँ, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? बोल माँ, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों छीन लिया मुझसे मेरा सुख? क्यों किया? लेकिन मुझे भी तेरी सौगंध है माँ। जब तक मैं अपनी बहन के माथे पे लगा हुआ झूठा कलंक न धो लूं और उसे इस गांव में वापस ले आऊं, तब तक मैं तेरे दर पर कदम नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा मां, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा मां। कुछ भी कहे, मुझे विश्वास हो गया है आप और आरती दोनों निर्दोष हैं। भगवान के चरणों में जो आपने सौगंध ली है उसे पूरा करने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। बोल हरामजादे, आरती का नाम किसने खराब किया? मुझे नहीं मालूम। बोल, मैं मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बोल साले उसे किसने बदनाम किया? मुझे नहीं मालूम। बोल, मुझे नहीं मालूम। ये सब मालूम है इधर आ।
अभी देखता हूँ तू कैसे नहीं बोलेगा, तू क्या नहीं बोलेगा, तेरा तो बाप भी बोलेगा। उधर बोल बोल साले, ने तो घास की तरह गर्दन काट दूंगा। बोल 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 बता दो बता दो। अरे इका तमाशा है सेठ जी, यही है मेरे बदनामी की तमाशे की जड़। इसी ने मेरे और आरती के रिश्ते को पाप का नाम दे दिया, सारे गांव में बदनाम कर दिया हमें। शक्ति बाबू और मणिराम ने मिलकर क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहा था। यही है वो नीच कमीना और चाल पास जिसने अपने जाल में फांस कर आरती को, मेरी बहन जैसी आरती को मेरे कमरे तक, यही है वो हरामजादा। अरे तोरी तो हम हड्डी पसली तोड़ देंगे। साला पहले तो हमारे घर की इज्जत से खेलता है, उसके बाद हमारे नौकर पे हाथ उठाता है। मगर सेठ जी जब वो अपना जुर्म कबूल कर रहा है तो खामखा मुझ पर। अरे आते नहीं मार खा के खंबा भी जुर्म कबूल कर लेगा। चल निकल बाहर, और दोबारा यहाँ कभी आया तो तेरी हड्डी तोड़ के तेरी गर्दन में लटका देंगे। मगर सेठ जी निकल। जय बजरंग बली की धनी राम सेठ। जय पहलवान, अब हमें पहचानते भी नहीं हो क्या? जवाबी कुश्ती से बचना चाहते हो? अरे क्या रे, क्या वाली बात कर रहा? कौन पहलवान, क्या बात कर रहा था? कौन पहलवान, कैसी कुश्ती? हम कौन है पहलवान है? चला अपना काम करो, और तू ही यहाँ क्या करत है? चल निकल बाहर, भाग, चला। बच गया, पकड़ा जाता था आज मैं। अरे पहलवान जी हट। अरे पहलवान जी, सेठ जी कुश्ती लड़ेंगे। कौन से पहलवान के से लड़नी है? मुझसे। हमारे सेठ जी का हो गया वन चिंग पोंग। क्या हो गया? वन चिंग पोंग। आप लोग यहीं ठहरो। सेठ जी, सेठ जी। क्या रे पार्टनर, तुम्हें कुश्ती लड़नी पड़ेगी। अरे जा रहे हराम के, मेरा बाप कभी कुश्ती लड़ा था? मैं नहीं लड़ता। अरे लेकिन तुम्हारा भाई तो कुश्ती लड़ा था। अगर तुम्हें कुश्ती नहीं लड़ोगे तो हमारा सारा भांडा खुल जाएगा, हम दोनों की हो जाएगी वन चिंग पोंग। अरे तेरे वन चिंग पोंग क्या बोलूं मैं, ये गेंडा मेरे को मार मार के मेरी हड्डियां तोड़ के मेरे को खबर में घुसेड़ देगा, मैं नहीं लड़ता। तुम एक काम करना, कुश्ती शुरू होता है चित हो जाना, कुश्ती खत्म चित होना तो जानते हो ना। मैं चितित पैदा हुआ था, मगर वो मारेंगे तो नहीं मेरे को। नहीं मारेंगे। ए सेठ जी कुश्ती लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे, लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे, मरेंगे। ये भैंसा मार मार को मेरा रस निकाल दिया रे। आए आए क्या कर रहा रे? अरे कहाँ बिना टिकट के हवाई जहाज में घुमा रहा रे? नीचे रख रे मेरा। अरे बचा। अरे 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 क्या मसाला पीसा है? हराम के तेरे काम होता दे रहे तू? थोड़ी देर की तो बात है, जल्दी से चित हो जाना तू। मैं इधर ही चित हो जाता। इधर नहीं, जल्दी से चित हो जा, नहीं तो वो तेरी वॉन्चिंग पॉक कर देगा। वो दिखाया तेरा बाप, वो दिखाया। अरे सांड आया, अरे सांड तेरा बाप। अरे बचा ले, अरे बचा ले। अरे माँ, अरे कोई है रे, पुलिस को बुला रहे। अरे क्या रे, अरे अरे माँ, अरे क्या करा रे, अरे क्या कर रहा, तोड़ रहा क्या रे? अरे 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 क्या करा रे तू? अरे क्या भौरा फिरा रहा रे? अरे छोड़ो रे। अरे तुम लोग क्या तमाशा देख रहे, बचा रे। अरे मेरे हाथ बहुत मुलायम है रे, निकल जाएंगे रे। छोड़ उसको। क्या कर रहे हैं? अरे नको बाबा, अरे क्या करा रहे? अरे क्या बाप का मांस समझ के मार रहा? मैं तेरे पांव पड़ता बाबा। अरे तुम और आसान, छोड़ मेरे दोस्त को सांड। अरे छोड़ मेरे दोस्त को सांड। अरे सांड सांड तेरा बना तो। अरे सांड, अरे गुदगुद गुद। अरे अरे तेरी चड्डी उतार दूंगा, अरे तेरी चड्डी उतार दूंगा। अरे सांड बनाता हूँ तेरा भाग, सांड बनाता हूँ भाग, सांड भाग, भागो 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 भागो
यू थिंकिंग सेम व्हाट आई थिंकिंग? लगता है दाल में कुछ काला है। कंप्लीट दाल ब्लैक, पूरी दाल ही काली हैगी। आहिस्ते पमार नस नस ढीली कर दिया वो गेंडा पहलवान रे। ताजू भाई डैडी, पहले तो आप यही नाक दंगल से ऊंची करके लौटते थे और आज आपकी नाक पकौड़ी जैसी लाल हो रही है। अरे वो गेंडा, हमरी नाक को पकौड़ा समझ के कढ़ाई की जगह मिट्टी में फ्राई कर दिया। हमारा नस नस जोर जोर दुख रहा है। आए। निशा, इस बैग का पानी ठंडा हो गया है, जरा इसे काफी गर्म करके लाना। अरे ए पार्टनर, ये पानी काहे को मंगाया? पाटली मंगाना, दारू अंदर जाएगा तो दर्द निकल जाएगा रे। अरे मेरी जान, मेरे पार्टनर अगर यहाँ पर शराब पिएगा तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। थोड़ा इंतजार कर, मैं घर जाके तेरे लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाऊंगा कि तेरा सारा दर्द दूर हो जाएगा। पहले शराब और फिर उसके बाद वन चिंग पॉन्ग। ऐसे ना देख मुझे, ऐसे ना
मैं तुमसे यह कहने के लिए आया हूं कि जिसे तुम अपना डैडी समझ रही हो वो तुम्हारा डैडी नहीं, तुम्हारे डैडी की भेज में तुम्हारे मन्नू अंकल है। झूठ बोल रहे हो तुम, मन्नू अंकल तो कब के हैदराबाद जा चुके हैं। निशा मेरी बात का विश्वास करो, वो तुम्हारे डैडी नहीं है। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं अपने दिल से तो निकाल ही चुकी हो। अगर ये मेरी बात गलत निकली तो मैं इस दुनिया से भी निकल जाऊंगा। वो लोग इतनी जल्दी कत्ल पर नहीं उतरे, वो तो बस चाहते हैं कि तुम्हारी शादी शक्ति सिंह के साथ हो जाए और जितनी जल्दी हो सके वो तुम्हारी जायदाद के मालिक बन जाए। पर हम डैडी को छुड़ाएंगे कैसे? एक बार उनकी इस साजिश का भांडा फूट जाए तो हम तुम्हारे डैडी को भी सही सलामत बचा लेंगे और मुझ पर लगा हुआ यह कलंक भी धुल जाएगा। मगर हमें तो यह भी नहीं मालूम कि उन्होंने डैडी को कहां छुपा के रखा है। इस बात का पता तो हमें उन्हीं से लगाना होगा। कैसे? देखो ये सब तुहरे वास्ते है बिटिया, अपना जेवर अपना जहेज सब चुन ले। काहे को कि मैं तेरी शादी अभी जल्दी ही करता। वाह डैडी वाह, ये हमार तुम्हार के साथ जल्दीज की खूब खिचड़ी पकाई आपने। मैं का है बिटिया कि वो मनीराम हैदराबादी ही आ रहा ना, तो जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है वैसे ये इलाहाबादी उस हैदराबादी को देख के रंग पकड़ने लगा है। मगर डैडी वैसे अगर मगर के चक्कर में क्यों पड़ती हो बच्चा? हमारी शादी कल ही होगी, सेठ जी ने पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकाल लिया है। भाड़ में जाए तुम्हारा पंडित जी। डैडी जब तक मनु अंकल नहीं आएंगे मैं शादी नहीं करूंगी। अरे मगर बिटिया कन्यादान तो हमको कराए का है, मनीराम को थोड़े। मनीराम तो बहुत पेचीदा काम से हैदराबाद गवा है, क्या मालूम वो कब तक उधर अटका रहेगा। देखो हाँ वो वहाँ अटके रहेंगे तो शादी यहाँ लटकी रहेगी। डैडी मनु अंकल ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उनकी मौजूदगी में ही शादी करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। हेलो निशा, मेरा भी समझ गई ना। हेलो मनु अंकल, अच्छा अच्छा हैदराबाद से बोल रहे हैं।
अंकल आप जल्दी लौटिए ना, डैडी मेरी शादी फौरन कर देना चाहते हैं, लेकिन मैंने बोल दिया जब तक आप नहीं आएंगे मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ हाँ यही है डैडी, आपसे बात करेंगे। कौन? अंकल, मनु अंकल। हेलो मनु, कैसे हो मनीराम? हम तुम्हारी खातिर बहुत चिंतित हैं। क्या रे, कौन है तू? मैं बाल मुकुंद, निशा थी फोन पर, इसलिए मुझे मनीराम बनना पड़ा आपको बुलाने के लिए। हाँ मनीराम, हम निशा बिटिया की शादी शक्ति के साथ पक्की कर दिए हैं, तुम जल्दी आओ, ये बिटिया शादी नहीं कर रही है। धनीराम ने अपनी अंगूठी का हीरा चाट लिया है, जान पर आ बनिए, उसे मरने दें या अस्पताल ले जाएं, क्या हुक्म है? हम तोरी बात समझ गए, चिंता मत करो, तोरे अंकल बहुत जल्दी आ रहे हैं बिटिया। कितने अच्छे हैं मेरे अंकल। कौन अंकल? आप। हाँ हम अंकल बहुत अच्छे हैं, जा जा। बाल मुकुंद का फोन था, उधर बहुत गड़बड़ है, जल्दी चल। लंबू कहाँ है रे? ऊपर दादा। नीचे आ। ये रवि को हमारे बारे में सब मालूमात हो गई है, इससे पहले कि ये कोई मुसीबत खड़ी करे जिसको जमीन पे गिरा के खुद कुछ दिनों के वास्ते जमीन के अंदर घुस जा। ठीक है, पकड़ कर देगा ना? हो जाएगा पक्का। जा तू काय का बना रहे, कितनी मार खाता, जमीन जायदाद मेरे नाम पर लिख दे रहे मेरे बाप। नीच कमीने धोखेबाज। आओ तू दे मेरे को सब गालियां दे, पर जमीन जायदाद मेरे नाम पर लिख दे रहे। तू भाई नहीं है। आओ मैं नहीं है। तीन का सांप है। आओ मैं हर जगह का सांप हूँ। भले ही जान चली जाए मगर हम जायदाद तुम्हारे नाम पे कभी नहीं लिखा। इधर देख, तेरे अच्छे भी लिखेंगे कुत्ते। बिटिया, दादी ये क्या हालत बना दी तुम्हारी? तू हमारी चिंता मत कर बिटिया, पर चिंता ये है कि ये हरामखोर लोग तोरे को यहाँ काय को ले आए। वान चिंग पाओ, अरविंद ने रवि को मारकर पहाड़ के नीचे फेंक दिया। सुने, तुम्हारे होने वाले दामाद को तो ऊपर पहुंचा दिए, अभी तुम्हारी पोटी को हाल मैं करता। मनीराम बोलो, अभी जायदाद मेरे नाम पर लिखते कि नहीं लिखते? लिखते। अभी आया ना रास्ते पे, ये ला स्टाम्प पेपर तैयार है, इस पर दस्तखत तो भी मारो। नहीं डैडी, इस दगाबाज भाई के नाम अपनी जायदाद मत करिएगा, अगर करना ही है तो शक्ति के नाम करिए। हाँ? अरे क्या बोलती रे पोटी, अरे भाई के होते हुए शक्ति के नाम पर जायदाद कैसे लिख सकता? शक्ति से उसका क्या कनेक्शन? कनेक्शन है, मैं इनसे शादी करूंगी। हाँ? ये मेरे पति देव होंगे। हाँ? इसलिए डैडी आप सारी जायदाद अपने दामाद के नाम कर। निशा ये सब सच है कि मैं सपना देख रहा हूँ? सब सच है। नहीं तो मुझको चुंटी मारो। पॉइंट है पार्टनर, निशा की नहीं नहीं मेरी धर्म पत्नी की बात में। हाँ इसकी बात में पॉइंट है, और तेरे भेजे में गोबर है। अरे पोटी भड़का रही तेरे को, मरता भी नहीं नो। हाँ अब पॉइंट है इसकी बात में। नहीं डार्लिंग, ये तुम्हारी सारी जायदाद हड़प कर जाएगा, जरा सोचो मेरे होने वाले पति देव।
जो बिच्छू दौलत के लिए अपने भाई को डंक मार सकता है वो तुम्हें क्या ठेंगा देगा? सॉलिड पॉइंट है इसकी बात में, सॉलिड पॉइंट। अरे पॉइंट, तेरे पॉइंट से ज्यादा मेरे चाकू के पॉइंट में दम है। होशियारी की याद हो तेरी असल निकाल डालता हूं मैं, हिलना नको। क्या रे, ये कागज पर दस्तखत करता कि मैं तेरी बेटी की लाश को काट के बिछा दूं इधर? अबे ओ खोंचू के, यहाँ पर चारों तरफ जितने भी आदमी खड़े वो मेरे कुत्ते हैं, जो काटते ज्यादा है और भोंकते कम है। मेरी होने वाली धर्म पत्नी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फेंको चाकू को। फेंक देगा, फेंक दिया मैं। फिर पलटी। मैं मजाक कर रहा था, क्या है, मेरे पहचानते नहीं। जियो डार्लिंग जियो, चलो तुम्हारे नाम का स्टैम्प पेपर बनवा लाए। लेट्स गो। आओ लेको जाओ बाहर इसको, वापसी में पुलिस लेको आती, मारो मेरे बाप का क्या जाता। आराम ज़ादे, मेरी महबूबा के बारे में बोलने की तेरी जुरत कैसे हुई? हम वो महबूब हैं जो अपनी जाने बाहर के लिए जान भी दे सकते हैं। तेजा, इस कुत्ते को इतना मारो कि ये अपना, अपने बाप का, अपने पूरे खानदान का नाम भूल जाए। चलो जाने बाहर। क्या सोच रहे हो डार्लिंग? सोच रहा हूँ कि हैदराबादी की बात में भी पॉइंट है। डार्लिंग, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। पत्नी वत्नी सब शादी के बाद। बंद कर दो इसे कमरे में। चंदू, मैं वकील से कागज लेकर आता हूँ और तुम मंदिर से पंडित को पकड़ कर लेकर आओ, समझे? वांचिंग पाऊ पंडित।
अपनी छोटी सी दुनिया। हमारे तेजा, क्या बात है बे? तुम्हारे कने है भेजा? क्या बात करता है बे? नहीं, मैं ऐसा सोचता था मियां के शक्ति को पोटी भी मिल गई, जायदाद भी मिल गई, तेरे को क्या मिला रे? जब बारिश होगी तो छींटे इधर भी आएंगे ना। हावला हुआ है रे तू, बारिश भी उधर ही छोएंगी, छींटे भी उधर ही गिरेंगे, तू सूखा का सूखा ही रहेगा। आओ, अगर मैं चाहा तो बारिश तेरे घर में हो सकती। वो बारिश तू कराएगा? मेरे कने बारिश की मशीन है, वो जो धनु है उन्हें दौलत के बारिश की मशीन है, इन्हें जायदाद के कागज पर दस्तखत किया तो सारी दौलत अपने घर में आती, फिर आती तेरी आधी मेरी। ऐसा तू कराएगा? आओ, मैं ही करा सकता। अच्छा, तू तैयार है? मेरा काम करेगा, ये जो दरवाजा है जरा खोलता क्या, फिर देख क्या दौलत आती। तू खोल। धनु, आज मैं सारा हिसाब वसूल करता तेरे से। हमारा बाप मेरे को नाकारा, जलील समझ को घर से निकाला, सारे जाना तेरे को दिया और बुढ़ा ऊपर चला गया। वो बुढ़ा नहीं, वो बुजुर्ग था, बहुत समझदार था। हमें मेरी बुद्धू थे जो तुमको पहचान नहीं सके, कि जो अपने बाप का नहीं वो अपने भाई का कहां से होगा। प्रब, अब जाए कि हमारी आंख खुली है। जायदाद के कागज पे साइन करता कि मैं तेरी आंखें फोड़ दूं। ठीक है, करते हैं दस्तखत। हमारी सारी दौलत जायदाद हमारी बेटी की एक मुस्कुराहट पे कुर्बान है। करते हैं दस्तखत, खोल दो हमारे हाथ। अरे खुल रे। मेरे को माफ कर दो। हमारे बाप के नालायक बेटे, माफी मांग रहा है इतनी जल्दी? चलो उतारो कपड़ा। कपड़ा काई को? हाँ कपड़ा। अब तुम धनी राम बनो और हम तोरी जगह मनी राम बनते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं बनता। उतार। उतारता हूँ बाबा। कितना मारा रे। बंडी भी नहीं उठती मेरे से। नाटक नहीं कर। अम्मा, साला हरामी। कपड़ा पहन चुपचाप। बस चला हुआ। कहाँ? चलो आप। चलो सीधा खड़ा रहने तो जबड़वा तोड़ गई है। साला हम क्या मारता है? अरे हम पहलवान हैं, चमड़ा के हंटर से का लोहा के हंटर से मार खाई सकते हैं। बेटा तुम अपनी खैर मनाओ। अब मेरे प्यारे भाई मनीराम, अब हमारी गद्दी तुम संभालो। अब कोई देख के नहीं पहचान सकता है कि धनी राम कौन है और मनी राम कौन है। क्या है कि हमारे कपड़े तोरे शरीर पर और तोरे कपड़े हमारे शरीर पर। तुम अगर धनी राम बन सकते हो तो हम मनी राम नहीं बन सकते हैं? दोनों एक ही बाप के बेटे हैं ना। अब देखो हम तुमको का तमाशा दिखाते हैं, अपनी बेटी को छुड़ा के बताएंगे तुमको। मनीराम? आओ, मैं मनीराम, धनीराम तो वो बंदा है। मैं तू बाहर कैसे आया? मैं इसके वास्ते जा रहा था। मैं तेरे को छोड़ा किसने? वो तेजा। क्या है शक्ति, मेरे को मेरी गलती का एहसास हुआ। दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती, तू तो सूरज के ऊपर चढ़ को बैठा है। मेरी गलती है, मेरी दोस्ती को नाक को ठुकरा, मैं तेरे पावा को हाथ लगाता। वन चिंग फॉर
अब आया ना तू लाइन पे, जा अच्छे से करके आना। अब इन बताते हैं कि सूरज का होता है और उसके ऊपर चढ़ना का होता है। तो मेरे होने वाले ससुर जी, ये है स्टैंप पेपर, इस पर साइन करो, सिग्नेचर। ये दूसरा आया, अरे कौन ससुर है? तेरा ससुर मेरे को बांध को भाग गया, गधे के औलाद। देखे पार्टनर अपने होने वाले ससुर को, इन्हें दस्तखत से बचने के लिए मनीराम बन रहा। मैंने ही बोला था इन्हों बाप बेटी, हम दोनों दोस्त हमें फूट डाल रहे, देखो। अरे शक्ति इसकी बात में मत आ, अरे मनीराम मैं हूँ रे। तू मनीराम तो मैं कौन हूँ इसका दुश्मन है? एक बात बोलूं, तू पहलवान से ज्यादा एक्टर बहुत अच्छा है। क्या एक्टिंग मारा मेरी मगर मैं भी धनीराम हूँ। नहीं ऐसी आदत हो गई मुंह से निकल गया, तू मेरे वो कागज है, मैं अभी दस्तखत लेकर आता, तू मेरा काम देख। आदत हो गई? नहीं नहीं नहीं। हाँ तो प्यारे भाई धनीराम, जमीना जायदादा शक्ति के नाम पो लिखते के नहीं? अरे नीच कमीने धोखेबाज। हाँ वो खिताबा टाइटला बाद में देना, पहले ये बोलो कि जमीन जायदाद लिख को देते के नहीं? नहीं देते। अरे शक्ति सिंह, अरे रोक रहे इसको। अरे मैं तेरे को साबित करके बताता कि मैं मनीराम हूँ। एक काम कर, तो मेरे हाथा खोल रहे। नहीं पार्टनर, हाथा नहीं खोलना, वरना ये हम सबको पछाड़ देगा। मैं पछाड़ूंगा, क्या बेईमानी है? करेक्ट पॉइंट है इसकी बात में। अरे काय का पॉइंट है रे? एक काम कर, मेरी मूछ निकाल। अरे आ रे, निकाल रे मेरे बाप। देखा? असली बाबा। अभी तो यकीन आया ना मैं मनीराम हूँ। मेरे हाथ खोल बाबा, मुझे माफ कर देना। मुंह तोड़ दिया रे। ओके बॉस, 420 तेरी ये मजान। एक मिनट, ये नकली है। आ गया ना यकीन, असली है ना? नहीं पार्टनर, ये तेरा ससुर मनीराम बनने का पूरा प्लान बना को आया है। मैं तेरे बाप की कसम खाता मैं मनीराम हूँ। नहीं पार्टनर, मैं तेरे बाप की कसम खाता मैं मनीराम हूँ। अरे काहे को मेरे चमड़े में घुस रहा रे? मैं मनीराम हूँ। नहीं मनीराम, मैं मनीराम हूँ। मैं मनीराम, मनीराम हूँ। मैं मनीराम हूँ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इधर भी मनीराम, इधर भी मनीराम। मनीराम कौन है? मैं मनीराम हूँ। अरे मैं हूँ, मैं हूँ। अरे मैं पागल हो जाऊंगा। मैं अभी अलग करता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी। पॉन्चिंग पांग। निशा पहचानो इनमें से तुम्हारा डैड कौन है? जो धनी राम होगा वह जिंदा रहेगा और जो मनी राम होगा उसका मैं वॉन्चिंग पॉन्ग कर दूंगा, यानी कि मैं उसे जान से मार दूंगा। पहचानो। बेटी अपने सगे बाप को नहीं पहचान रही है? अरे गौर से देख, हम तोरा सगा बाप। तू अभी क्या बोल रहा था कि तू मनीराम है? अरे उठाए, हम तोरे साथ मजाक कर रहे थे, हम ही इसके बाप हैं। नहीं बिटिया, ये तोरा कपटी चाचा मनीराम है, तोरा डैडी तो हम हैं। हट, ये झूठ बोलता है, हम तोरे बाप हैं। नहीं बिटिया, हम तोरे बाप हैं। ये झूठ बोलता है। नहीं बिटिया, हम तोरे बाप। ये झूठ बोलता है बिटिया, हम तोरे बाप है। हम इसके बाप है। हम, अब मैं कैसे पहचानूं? ये दोनों तो मेरी डैडी नजर आते हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कभी दोनों धनी राम बन जाते हैं, कभी दोनों मनी राम बन जाते हैं। बताओ अब मैं एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि तुम दोनों की जबान खुद ब खुद खुल जाएगी और बोलेगी कि मैं धनी राम हूं और दूसरा बोलेगा कि मैं मनी राम हूं। देखो मुन्ना। All right.
आप पहलवान हो जाए दो दो हाथ है? ये शैतान को काकू बुलाया रे? तुम ही हो मनी के लोभी मनी राम, हाँ तो धन के राम धनी राम। अब अगर तुमने इन कागजात पर दस्तखत नहीं किए तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां मैं तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा, और मैं सिर्फ तीन तक गिनूंगा, सिर्फ तीन तक। एक, दो। वॉग जिंग पॉग। हाँ रवि, सेठ धनीराम का वफादार नौकर, ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारा वांग चिंग पोंग करने के लिए भेजा है। तुम्हारे हिसाब से तो इस वक्त मुझे ऊपर होना चाहिए था, मगर ऊपर वाले का हिसाब ही कुछ उल्टा। उसने मुझसे कहा कि बेटा रवि, इस वक्त तुम यहां, यहां पर तो इस वक्त मणिराम और शक्ति सिंह को होना चाहिए। अब बीच में बोला तो गोली मार दूंगा। हाँ तो मणिराम और शक्ति सिंह को होना चाहिए। जाओ जाकर दोनों को भेज दो। तो अब तुम दोनों डिसाइड कर लो कि पहले ऊपर किसको जाना है, तुम्हें या तुम्हें। किसको? इसको ना। ठीक है। मुझे बाल मुकुंद उर्फ चंदू कहते हैं, तुम मुझे बांध कर आए थे, ये देखो मैं किसे ले आया हूं। चलो शक्ति साहब, ये रवि की असली मां और बहन है, बचपन में ही इनसे बिछड़ गया था, आज ये लोग फिर मिले हैं। वन चिंग पॉंग। चल, तुम्हारा मतलब यह है कि वॉन चिंग पोंग इस दुनिया में अकेला नहीं है, इसकी मौत पर रोने वाले भी पैदा हो गए। ओ चलो अच्छा ही हुआ, दुनिया वाले ये तो नहीं कहेंगे कि शक्ति सिंह ने यतीम को मार दिया। आ, 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 आ,
तुझे याद है तेरा कमीना बाप चौधरी गुलाब राय कुत्ते की मौत मरा था और उसका इल्जाम एक औरत पर लगा था, वो औरत मैं हूँ। मुझे माफ कर दो। उस दिन बेटे ने माँ की रक्षा की थी, आज माँ बेटे की रक्षा करेगी। ऐसी गलती मत करना माँ, ऐसी गलती मत करना। एक बार इसके बाप का गंदा खून बहा था तो बहाकर हम दोनों को इतना दूर ले गया कि 20 साल तक हम माँ बेटे एक दूसरे के लिए तड़पते रहे। अब तो इसका गंदा खून मत बहाना। अगर तुम उसे फिर दूर हो गई तो अब तो मैं रो भी नहीं पाऊंगा। पहले ही तुझसे सालों बिछड़कर इतना रोया हूं मैं कि मेरी तो आंखें सूख गई। हम इस कमीने को कानून के हवाले कर देंगे माँ, तू इसे मत मारना, हम इसे कानून के हवाले कर देंगे। आइए इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए। रुक जाओ, पकड़ो इन सबको। वॉन चिंग पोंग जेल में। सेठ जी मुझे बचाइए, सेठ जी मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने जो कुछ भी किया शक्ति के कहने पे किया, रवि और आरती को भी बदनाम उसी के कहने पे किया। तुम अपनी जलील हरकत से कितना घर बर्बाद किया, अब तुमको इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। ले जाओ इसे। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये बेईमान लोगों की बातों में आए के आप ये बच्ची को ठुकरा ही दिया, अब आपको अपनी गलती का एहसास है? जी, बदनामी के कीचड़ से बहन भाई का रिश्ता बदनाम तो हो सकता है, मैला नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, माफ कर दीजिए। जाए दो बहन, बुजुर्ग लोग कहा है कि किसी का कर्जा माफ करो ना करो, पर गलती जरूर माफ कर दे, कर्ज माफ। रख दो सर पे हाथ, चलो उठो। सुनिए, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। ये मेरी छोटी बहन कम्मो है। कम्मो? जब मेरी शादी हुई थी ना तो ये सिर्फ 3 साल की थी। अच्छा अच्छा। अब जाके जवान हुई है, खेलने खालने के लायक। अरे